चस्पा किया गया था, जिसमें बिल्डिंग गिरने की आशंका जाहिर की गई है। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं सत्यनिकेतन बिल्डिंग की, जहां पर इस वक्त आपको बता दें जानकारी ये मिल रही है कि एक शख्स का रेस्क्यू किया गया है। कहा ही जा रहा था कि कई मजदूर इसके नीचे दबे हुए हैं, जिनकी जिंदगी को बचाने के लिए तमाम जो ऑपरेशंस की टीम है वो लगी हुई है। 3 मंजिला इमारत गिरी दक्षिण दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में, और एनएसजी की टीम साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम सब मौजूद है। और देखिए लाइव हमारे साथ दीपक भी सहयोगी जुड़े हैं। दीपक, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक शख्स को जिंदा निकालने की कवायद जारी है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, यहाँ पर आप लाइव तस्वीरों में देख रहे होंगे एक मजदूर जो फंसा हुआ है, क्योंकि इससे पहले एक मजदूर अचानक ऊपर की साइड से अचानक बाहर निकला घायल हालत में, और उसको अभी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि वो जीवित हालत में था और बोल रहा था, जिसके बाद उसे भेजा गया। लेकिन दूसरे 2 मजदूर अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं, दोनों को निकालने की कवायद है। उनका जो बॉडी मूवमेंट है वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके हैं, ये साफ लग रहा है। साथ ही धूल उन पर लगी हुई है, यानी उनकी कंडीशन जो है वो बेहोशी की हालत में है। उनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। जो उनका नीचे का हिस्सा है, कमर से नीचे का हिस्सा, वो अभी भी फंसा हुआ है, जिसको निकालने के लिए एनडीआरएफ और दिल्ली दमकल विभाग की टीमें यहां पर लगी हुई हैं। लगातार उसके आइट साइड के जो पत्थर हैं उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि ये जो छत आपको दिखाई दे रही है पूरी कटर से काटी गई है। इस काटी गई जो छत से एक होल बनाया गया, और उस होल के बाद यहां से उन मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ये एक ही जगह पर फंस गए थे और उन्हें वहीं से निकाला जा रहा है। देखिए, बड़े बड़े पत्थरों को बाहर किया जा रहा है, और वो मजदूर हम चाहेंगे कि वो जीवित हालत में निकले, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन थी, जिस तरह से ये पूरी छत भरभराकर गिरी है, उसके बाद अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। न्यूज 18 इंडिया आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि उस मजदूर को बचाने का यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी जिंदगी और मौत के बीच में जो फंसा हुआ है, उसकी कंडीशन कैसी है अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उसको खींचने के लिए यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जो गाडर गिरे हुए हैं, वो उसकी ठीक बॉडी के ऊपर गिरे थे। और ये बताया जा रहा है कि उसको बचाने के लिए यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई है। हालांकि उसकी हालत जो है वो बेहोशी की है, क्योंकि इससे पहले ये बताया जा रहा था कि 5 मजदूर यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 मजदूर फंसे हुए हैं। कुल 15 से 16 के आसपास मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे इस बिल्डिंग में, जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। काफी पुरानी बिल्डिंग थी, जर्जर इसकी जो पिलर्स वगैरह वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो 5 मजदूर थे। अब ये देखिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर ले जाया जा रहा है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर, कोशिश ये की जाएगी कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर देने की कोशिश की जाएगी, ताकि उस जो बेहोशी की हालत में, अगर उसकी कंडीशन ऐसी हो कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो उसे ऑक्सीजन देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये कवायद इससे पहले भी कई बार हम देख चुके हैं, क्योंकि लोगों को बचाने का जो जिम्मा एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस के हाथों में होता है, वो पूरी कोशिश करते हैं, पूरा एफर्ट यहाँ पर दिख रहा है बचाने का, क्योंकि हम यहाँ पर 1 घंटे से हैं और ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू लगातार जारी है। जिस मजदूर को बचाने की कोशिश की जा रही है वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन उसके जो कमर के नीचे जो पैर हैं वो भारी भरकम पत्थरों से दबे हुए हैं, और इसी वजह से उसको बाहर निकालने के लिए काफी परेशानी हो रही है। कोशिश यही है कि उसको जल्द से जल्द बाहर खींचा जाए, क्योंकि ये जो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, हमारे दर्शकों को विचलित कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन शायद ही कोई देख सके कि कोई मजदूर फंसा हो और उसको निकालने के लिए इस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर जो चल रहा है वो देखना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है कि 5 मजदूर फंसे थे, जिसमें से 1 मजदूर को बाहर निकाला जा चुका है, उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि दूसरा मजदूर जो है हमारी तस्वीरों में कैद है, उसको बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तीसरा मजदूर भी उसके बगल में ही है, जिसे भी बचाने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि जेसीबी मशीन आई जरूर है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि जहां पर मजदूर फंसे हैं उस इलाके को पहले यहां पर पॉइंटेड किया गया कि इस जगह पर मजदूर फंसे हैं। तकरीबन 15 फीट की दूरी पर नीचे गहराई की तरफ खुदाई की गई, बाहर से छत को कटर से काटा गया, कटर से होल बनाया गया है ताकि आदमी अंदर बाहर जा सके, और उसके बाद अब वहां से उस होल से देखिए इस मजदूर को बाहर निकालने की कवायद एक बार फिर खींचा जा रहा है उसे, क्योंकि सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहीं जबरन ना खींच सके, जीवित हालत में उसे निकालना है। कोशिश यही की जा रही है कि उसको बचाया जा सके, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मजदूर को बचाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर उन मजदूरों के परिजन भी दिखा रहे हैं, हम 2 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला जो मजदूर निकाला गया था वो किस तरह से बहुत बुरी स्थिति में नजर आ रहा है, वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से, इतना बड़ा स्लैब गिर गया इन लोगों के ऊपर, और उसके बाद आनन फानन में जो बचाव की टीमें वो वहां पर पहुंची, एक मजदूर को तो सुरक्षित बचा लिया गया है दीपक, लेकिन अभी बताइए इतना आसान नहीं है दूसरे मजदूर को वहां से इस तरह से निकाल पाना।
बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, देखिए एक ऐसा टास्क है जो असंभव है, लेकिन उसको संभव करने की यहाँ पर कोशिश एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस की जा रही है। दो मजदूर यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं, एक और दिखाई दे रहा है जिसके सिर पर हेलमेट लगा हुआ है, और एनडीआरएफ की टीमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे खींचा जाए, क्योंकि अंदर जा नहीं सकते और बाहर के साइड से जो होल बनाया गया है, एक होल बनाकर एक स्पेस दिया गया है, ताकि देखिए ड्रिल एक बार फिर चलाई जा रही है, देखा गया है कि उसको बचाने के लिए ड्रिल चलाना जरूरी है, क्योंकि ड्रिल से उस जगह का जो एरिया है उसको बड़ा किया जाएगा और होल से, ताकि आदमी को बाहर खींचा जा सके। जो मजदूर अंदर फंसे हैं, दोनों मजदूर एक के साथ एक सटे हुए हैं और उनके पैरों के पास काफी भारी भरकम गार्डर या जो मलबा है वो पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसको बचाना काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है। हम भी कोशिश करेंगे कि जो मजदूर फंसे हुए हैं वो जीवित बाहर निकले, क्योंकि जो मजदूर हमें दिखाई दे रहा है वो बेहोशी की हालत में, ऑक्सीजन यहाँ पर लाया गया था लेकिन शायद उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया, क्योंकि उसकी बेहोशी की हालत को देखते हुए ये अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उसकी कंडीशन कैसी होगी, क्योंकि अस्पताल जाकर ही पता चल पाएगा। लेकिन एक मजदूर को यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर दी गई है, अभी उसके मास्क वहाँ पर लगाया गया है, लेकिन वो कैसी कंडीशन में है ये भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार फिर कोशिश यही की जा रही है कि होल को बड़ा किया जाए, ताकि जो मजदूर अंदर फंसे हैं उसको सीधा बाहर खींचा जाए और उसको बचाने की कवायद यहां पर देखी जा सकती है। आज हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1:30 बजे के आसपास 1:26 पर दमकल विभाग को कॉल मिली थी कि सत्य निकेतन 173 नंबर बिल्डिंग अचानक धराशायी होकर गिर गई। 3 मंजिला ये बिल्डिंग थी, जहां पर इससे पहले 2 से 3 महीने पहले पीजी का काम यहां पर चलता था, जिसमें यहां पर आसपास के कॉलेज के छात्र छात्राएं यहां पर रहते थे, जिसके बाद इसका रिनोवेशन काम चल रहा था। पुरानी जर्जर इमारत ये दिख रही है हमें, क्योंकि जो दूसरी बिल्डिंग है वो भी यहां पर सटी हुई है, और अचानक ही बिल्डिंग गिरने के बाद दमकल की टीमें पहुंची, 4 गाड़ियों को यहां पर लाया गया, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जो आसपास जो मजदूर थे ये बता रहे थे कि यहां पर 15 से 16 मजदूर काम कर रहे थे, और अचानक ये बिल्डिंग जब गिरी है तो और लोग तो भाग गए, लेकिन 5 मजदूर जो अंदर की तरफ थे वो फंसे रह गए, और उसी वजह से अब उन्हीं मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, जिसमें से एक मजदूर बाहर निकाला जा चुका है, जीवित वो मजदूर निकला है। उसकी खुशकिस्मती ऐसी थी कि वो खुद ऊपर चढ़कर आया और उसने वहां पर बोला कि मैं ठीक हूं, और उसके बाद उसे तुरंत ही अस्पताल यहां से ले जाया गया है। अब बहरहाल अब कोशिश यही की जा रही है कि जो और मजदूर है, जो अभी 4 मजदूर हैं जिनमें से 2 की तस्वीरें हम देख सकते हैं, एक मजदूर की क्लियर यहां पर तस्वीरें आ रही हैं जो बेसुध हालत में है, और उसे बचाने का यहां पर पूरा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, कोशिश यही की जा रही है कि इसको तुरंत से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि आसपास का जो ग्रेविटी है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि अचानक ऊपर से कोई मलबा फिर ना आ जाए ये भी देखना है, होल कितना बड़ा करना होगा, क्योंकि होल के साथ साथ सरिया है जो उनको काटने के लिए मशीनें आई हैं, जो कटर है वो अपना काम कर रहे हैं, और ड्रिल यहां पर लगाई जा रही है। तो एक ऑपरेशन ऐसा है जिसे यहां पर अंजाम भी दिया जाना है और सामने वाले की जान भी बचानी है, एक बड़ा टास्क कहा जा सकता है एनडीआरएफ के लिए, लेकिन इसके लिए महारत हासिल है ऐसा कहा जाता है एनडीआरएफ के लिए, और यहां पर वही चीज देखने को मिल रही है। एक मजदूर सकुशल जीवित यहां से बचाकर अस्पताल भेजा गया है, दूसरे मजदूर को बचाने की कवायद यहां पर एनडीआरएफ की टीमें कर रही है। एक जो अधिकारी है उनके हाथ में मोबाइल फोन पर उस अंदर की जो एरिया है, ग्रेविटी है, उसको देखा जा रहा है, उसको मापा जा रहा है कि हम किस तरफ को होल कर सकते हैं, किस तरफ को ये लोग हो सकते हैं, ये सारी चीजें एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं, क्योंकि उनको जीवित निकालना सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि 4 मजदूर अंदर फंसे हैं, 4 में से कितने बोल रहे हैं ये भी अभी तक अनुमान नहीं लग रहा, लेकिन एक बोल रहा था इसके बारे में हमें पहले से जानकारी थी और उसको पानी भी पिलाया गया था, और उन लोगों ने यही कहा था कि हमारा दम अंदर घुट रहा है, ऐसी बात उनके परिजनों ने भी कही, और उसके बाद अब आप रेस्क्यू ऑपरेशन देख सकते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा आप ये देखिए, अभी भी एक बार फिर जो कटर मशीन है वो यहाँ पर लगाई जा रही है प्रीति, और कोशिश यही की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि एक दबाव है, लोग देखना चाहते हैं, जो आसपास के लोग हैं बिल्डिंगों में हर कोई अपनी छत पर पहुंचा है, और कोशिश यही की जा रही है एनडीआरएफ के द्वारा कि इसको बचाया जा सके, लेकिन जिस तरह की कंडीशन इस मजदूर की दिखाई दे रही है ये साफ पता चल रहा है कि ये बेहोशी की हालत में है। और यहाँ पर जो आसपास के लोग थे जिन्होंने ये बताया कि उनकी जो बिल्डिंग थी वो ये बिल्डिंग जिस वक्त गिरी थी तो अचानक चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था, सफेद धुआं हो गया था और कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद दमकल को कॉल की गई। आसपास जो मजदूर थे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कितने लोग फंसे हुए हैं, और उसके बाद ये सारी कंडीशन यहाँ पर अब सामने है। अभी भी कवायद यही है कि इस मजदूर को बचाया जाए, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यहीं पर यही आ रही है कि जो मलबा है वो उसके पैरों की तरफ है, और उस मलबे को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक अंदर एक स्पेस ना बनाया जाए। अब दमकल के अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सरिया है उसको कटर से काटा जा रहा है।
आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों पर, क्योंकि यहाँ पर उस सरिया को काटने के बाद उसको खींचा जाएगा। खींचने के लिए ऐसा ना हो कि जोर ज्यादा लगे, ये भी देखना जरूरी है, कहीं उसका कोई बॉडी पार्ट अंदर फंसा है तो उसको पूरी तरह से सकुशल निकालना बहुत जरूरी है, और इसलिए यहाँ पर ये कवायद यहाँ पर की जा रही है। दमकल की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ का पूरा दस्ता यहाँ पर आया है, क्योंकि एनडीआरएफ अमूमन इस तरह के, क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर हैं ये बताया जा रहा है कि चारों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, और ये अच्छा टास्क है क्योंकि एक जगह पर बड़ा होल किया गया है, अदरवाइज यहाँ पर दूसरी जगह होल करना पड़ता, दूसरे मजदूर को बचाने की कवायद की जाती, लेकिन यहाँ पर जो टास्क है उसको पूरा करने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर लगातार जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो दूसरा मजदूर है उसको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि उसको बचाने के लिए भी ये कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एक लंबा स्पेस बनाया जा सके, और उस स्पेस के जरिए एक कवायद ये होगी कि जल्द से जल्द उसे बाहर खींचा जा सके, क्योंकि उसका बाहर जो ऊपर का हिस्सा है, उसका सिर है, उसे बाहर खींचा जा चुका है, लेकिन जो पैर का हिस्सा है वो मलबे में पड़ा हुआ है। अंदर जाने का जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि छत का जो मलबा है वो बिल्कुल तिरछा गिरा है, जिससे अगर कोई अंदर जाएगा तो हो सकता है कि वो अंदर फंसा रह जाए, इसलिए कोई भी टीम यहाँ पर कोशिश ये कर रही है कि अंदर की तरफ ना जाके बाहर से ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। पूरा एक तकरीबन 9 से 10 फीट का जो एरिया है वो काटा जा चुका है छत का, और उसमें होल बनाया जा चुका है, और इस 10 फीट लंबे और तकरीबन 3.5 से 4 फीट चौड़ाई जो है उसकी बनाई गई है, और उस एरिया से अब मलबा खींचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर समस्या सिर्फ यही नहीं है कि एक मजदूर को बचाया जा सके, जबकि दो दो मजदूर नहीं बल्कि 4 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, और उनको किस तरह से बचाया जा सके इसकी यहाँ पर टेक्निकल तौर पर आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे उन्हें बचा जाए। देखिए, 2 मजदूर दिख रहे हैं, वो भी दूसरा मजदूर भी बेहोशी की हालत में दिख रहा है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं काफी विचलित कर देने वाली हैं, क्योंकि अब उसको खींचने के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े पत्थर निकाले जाए, तकरीबन 10-10 किलो के पत्थर जो है उनके शरीर से हटाए जा रहे हैं, और हम आशा करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो दोनों यहाँ पर जीवित नजर आए, जो हमें दिख रहे हैं वो जीवित बाहर निकले, और कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ की लगातार यही है कि जो मजदूर यहाँ पर फंसे हैं उनको जीवित निकालना एक टास्क है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ पर हम वो देख भी रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से यह हादसा हुआ था उस वक्त 5 मजदूर यहाँ पर फंसे थे, जबकि ये बताया जा रहा था कि 15 से 16 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, और उसके बाद इस जो ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया, एमसीडी यहाँ पर पहुंची है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, और दिल्ली फायर सर्विस यहाँ पर पहुंची है। अब देख सकते हैं जो मजदूर बेहोशी की हालत में था उसके नाक से चेहरे की तरफ जो है काफी ब्लड यहाँ पर नजर आ रहा, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत उसे वहां पर आई है, और कोशिश यहां पर यही है कि वो बेसुध है तो उसको सकुशल जल्द से जल्द बाहर खींचा जाए। देखिए, बाहर खींचने की कवायद एक बार फिर शुरू की जा रही है ताकि उसको हटा जाए। जो दूसरा मजदूर है वो यहां पर बचाने की कवायद है, जबकि जो तीसरा मजदूर अंदर फंसा हुआ है उसके ऊपर से मलबा हटाया जा रहा है, और न्यूज 18 इंडिया आपको इन तस्वीरों में ये बता रहा है कि एक मजदूर सकुशल निकाला जा चुका है, दूसरे मजदूर को आधा बाहर निकाला जा चुका है, जबकि तीसरा मजदूर जो है उसके ऊपर से पत्थर हटाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम का जो टास्क है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, टेक्निकल टीमें पहुंची हैं एनडीआरएफ की, और कटर मशीन यहाँ पर है, उसके साथ ही वो सभी यहाँ पर दस्ता मौजूद है।